हेलो एवरीवन, मैं निकेतिना ऑफिसर, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? मेरी बहुत अच्छी हूँ। इतना से भी सोते उठे हैं गाइस, तो जो है जैसे पराठा चलता है तो ये सोते रहते हैं, और जैसे पराठा पंकट, क्योंकि मैं अकेले नहीं छोड़ती, अम्बली वगैरह कुछ भी डाल दें खतरा हो सकता है। सभी उठ चुकी हैं, इनकी नींद पूरी हो चुकी है। इनके सिवास की मैम भी आ गई हैं, उनको चलना चाय देने पानी दे चुके हैं, बस कंगी कर लिया, फिर इनको ले चलेंगे मम्मी के पास, दे देंगे, फिर चाय सब कुछ बनाएंगे। क्योंकि किचन में जाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, भगवान का बर्तन माजना सब कुछ रहता, फिर कमरे में मौका ही नहीं मिलता कि काम निकाल ले। बस इतना रहता अपने लिए, थोड़ा सा ही रहता टाइम निकाल के। फिर अभी गाइस कपड़ा वगैरह सब कुछ तैयार है, तो आप लोग ये देखिए गाइस, सारे कपड़े को तैयार दूंगी इसी टाइम पे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, कमरे भी फैले रहते हैं, सुबह ज़्यादा काम पड़ता गाइस। तो चलिए टाइम को नंबर बात करते हैं, सिवास बैडमिंटन खेलने गए गाइस, तो कपड़े सारे तैयार होंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। रुद्रास अपनी दादी के साथ में खेल रहे हैं इस टाइम, कपड़े कमरे सबसे ज़्यादा मेरे इसलिए फैलते हैं गाइस, क्योंकि जो है बच्चे हैं दो, उनको भी देखना रहता, फिर उसके बाद जो है रूम वगैरह सब कुछ सही चाहिए, जितना अच्छे से रखते हैं हम, लेकिन मेरा रूम फैल ही जाता, हम कितना भी कोशिश करते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अति देर रहते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ चलिए ये है तो देख लेंगे, बाकी तो उनके सोने से पहले जब तक वो सोते रहेंगे तब तक सारे काम को निपटाना है। देखिए गाइस, इस सुबह जो है शाम को सब्जी मतलब काट ले रहे हैं, कुंडू की सब्जी, उसके बाद सुबह बनाना आसान हो जाता है। गाइस क्या होता मेरे साथ कि हमारे बच्चे हैं, आप लोग कहेंगे बार बार बच्चे, क्योंकि हमारा क्या है कि हम पहले से सब कुछ तैयारी किए रहते हैं, तो सुबह बनाना आसान हो जाता है। सब लेडीजों का सबका यही चीज़ है कि अपना पहले से ही सारी तैयारी कर लेती हैं, तो बनाने में प्रॉब्लम भी नहीं होती, जल्दी फटाफट हो जाता है। आप लोग बताइए किसको किसको कुंडू की सब्जी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है कुंडू की सब्ज़ी, लेकिन ये है कि उसमें लहसुन पड़ा रहता है गाइस, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ भी ना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है, जो भी रहता है, कभी कभार ये होता है कि चलिए यार बना दे रहे लहसुन प्याज, जो भी अलग अलग, तो कौन झाम करे। उसके बाद जब सब चार ही लोग हैं खाने वाले जो है, उसके बाद पता चलो अलग अलग तैयारी करो, इससे अच्छे हैं मिर्चा और जीरा डाल देते हैं तब भी अच्छा बन जाता है। ये देखिए गाइस, आज हमारे यहाँ छोला बनने जा रहा है, तो काफ़ी चला है, तो बिना लहसुन प्याज का छोला, जैसा कि आपको ब्लॉग में बता चुके हैं कि मेरे यहाँ बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बनती है, तो आज हमने सोचा क्यों नहीं जो है एक ही मतलब एक ही छोला एक ही तरीके से बनाया जाए, जो है डेली वही लहसुन प्याज दो चीज़ हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, दो तरीके से बनाया जाना पड़ता है। तो गाइस जो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं टमाटर में। ये देखिए गाइस, हमारा टमाटर भी पिस चुका है, क्योंकि लहसुन प्याज करना नहीं है, तो टमाटर की मात्रा हम ज़्यादा कर चुके हैं, और उसके बाद इसमें खड़े मसाले हैं, जो भी जीरा सब कुछ खड़े मसाले सब कुछ पड़ चुका है। तो गाइस हम कुकर चला दिए इसलिए क्योंकि जल्दी से बना लेते हैं, फिर रोटी पूरी पूरी रहेगा चाहे चावल रहेगा बन जाता है, बाद में छोला बना रहता है तो सही रहता है। ये देखिए गाइस, तेल हमारा गर्म हो चुका था, उसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाल चुके हैं, अब इसके बाद हम डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर है, जैसे नॉर्मल बनता है उसी तरीके से हम भी छोला बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग को ब्लॉग में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ ये चीज़। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कड़ू कम सब लोग खाते हैं, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, कड़ू होने के बाद कोई खाए गई नहीं। क्योंकि अदरक है नहीं गाइस इस टाइम हमारे यहाँ, तो अदरक को छोला मसाला जब भी बनाइए आप लोग, तो जो मीट मसाला डाल देंगे बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है जो है। बाकी हम क्या करते हैं, जब भी छोला बनाते हैं तो उसमें जो है छोला डालने के बाद तब उसमें जो है छोले मसाले डालते हैं, तो उससे अच्छा और बनता है। गाइस इसमें हम जो है टमाटर जो प्यूरी बनाए थे उसको डाल दिए हैं, और उसके बाद इसमें जो है टमाटर प्यूरी होने के बाद फिर गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिए गाइस में, बाकी जो भी खड़े मसाले थे हमने बताए ही थे इसमें जो है, बिना लहसुन प्याज के छोले बनेंगे, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी, क्योंकि छोला डालने के बाद हम लोग ऊपर से ही तब छोले मसाले डालते हैं, तब सीटी लगा दें, बहुत ही अच्छा बनता है। गाइस छोला कितना अच्छा लग रहा है, बने तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, तो जो है बस बिना लहसुन प्याज की सब जो है छोले हैं हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं, तब भी जो है किसको किसको छोला पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो है। तो कल का वीडियो हमने एंड नहीं किया था, तो अगर आप लोग का आज का मेरा वीडियो पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।